नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उज्बेकिस्तान से दो लड़कियां टूरिस्ट पे आई और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इंडिया में बता दूं एक महीने के 12 लाख रुपए कमा रही थी। जी हाँ, अब कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, क्या हुआ, पूरी हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो भाई पूरा देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, इंडिया में टूरिस्ट आते हैं, आपको पता है उज्बेकिस्तान से भी दो लड़कियां आई थी। उन्होंने जैसा कि अपने बयान में बताया, ओवर टाइम यानी वीजा से ज़्यादा समय वहाँ पे रह गई थी, पैसों की उनको प्रॉब्लम हो गई थी, जैसा कि उन्होंने बयान में बताया, जबकि ये बयान झूठा है। जी हाँ, ये मैं बता रहा हूँ मेरी तरफ से। अब कैसे झूठा है वो भी हम आपको इसको क्लियर करेंगे। झूठा ऐसा है कि दिल्ली की जो क्राइम ब्रांच है, जी हाँ, DCP क्राइम ब्रांच में मोनिका भारद्वाज, उन्होंने अपने बयान में बताया उनको एक शिकायत मिली थी कि भाई दिल्ली में एक मोनू नाम का एक बंदा है जो दलाली का काम करता है, लड़कियां सप्लाई करता है और वो भी विदेशी। जी हाँ, आपको पता है यार, शिकायत तो मिलती है, नो डाउट। आप अपने को जो गलत काम करता है उसको लगता है कि नहीं नहीं मुझे किसी मेरे को किसी का पता नहीं चल रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं सेफ हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पता चलता है। जी हाँ, उसकी शिकायत मिल रही थी तो पुलिस ने फिर एक गेम प्लान बनाया, जाल बनाया, जाल बना के उन लड़कियों को वहां तक पहुंचाया। जी हाँ, वहां पे जैसे लड़कियां पहुंची, पुलिस ने घेरा डाल के उनको पकड़ लिया और उसमें साथ में एक बता दूं एक ड्राइवर था 45 साल का पूर्ण सिंह, उसको भी पकड़ लिया। बयान में पता लगा कि पूर्ण सिंह का काम इतना ही था कि वो उनको वहां तक ड्रॉप करता था, बदले में उसको 2000 रुपए मिलते थे। ये जो लड़कियां थी इनके इन्होंने अपना बिजनेस सेट कर रखा था मोनू के माध्यम से, पर नाइट 20,000 रुपये इनके चार्ज होते थे। तो पर नाइट 20,000, एक के 6 लाख, दो के 12 लाख रुपए हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया। जी हाँ, ये इनका प्रोसेस था, पुलिस ने पकड़ लिया, मोनू को भी गिरफ्तार कर लिया गया और मोनू भी 3-4 लड़कियों के माध्यम से सप्लाई का काम कर रहा था। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी, आपको पता है, MP में भी भाई लगभग, जी हाँ, अलग अलग देशों की, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा, बांग्लादेश की, नेपाल की, अलग अलग देशों की 200 लड़कियों के बारे में पता चला है जो MP से शुरुआत होकर अलग अलग बड़े बड़े होटलों में जा रही हैं। जी हाँ, जैसा कि पुलिस ने बताया, काफ़ी सारों को पकड़ा भी गया है, छापा भी मारी हुई है। तो इन बातों से ऐसे पता लगा है कि भाई लोग ये भी, हमने तो ऐसे ही सुना था कि इंडिया में होता है, ये नॉर्मल है, लेकिन विदेशी लड़कियों की सप्लाई इंडिया में होती है। जी हाँ, ये सोचने की बात है भाई, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है, अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था कि देखिए लड़कियां आती घूमने के लिए, हर इस दलदल में फंस जाती है, अभी उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जेल जाएगी लंबे समय के लिए, हो सकता है पुलिस जब तक पूरी जांच नहीं कर ले तब तक उनको बेल नहीं मिले, पासपोर्ट जब्त हो जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो बस ये अपडेट देना था। इंडियन लोग भी भाई विदेशों में घूमने के लिए जाते हैं, इन चक्रों में अगर फंस जाते हैं वहाँ पे पुलिस पकड़ लेती, लंबे समय के लिए जेल जाना पड़ सकता है। तो चाहे आप इंडिया में हैं चाहे आप विदेश में हैं, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी जानकारी के साथ। जय हिंद।